রামধরা তোমার বিমান বিধানসভা পেয়েছিল। क्या मामला हुआ है रामगढ़ आपकी जो जमीन पर क्या मामला हुआ है? जमीन हमारा 1357 आबादी नंबर हमारा है और जमीन के हमारे पश्चिमी कोने तक राय साहब का भी जमीन है और पैमाइश भी मेरी जमीन की हुई है, नाली की भी पैमाइश हुई जहाँ तक चकोट बना हुआ है। चकोट के सीमे से सीधे दक्षिण मेरा चक है और मेरे चक में वर्षों से मेरे चक में हरिंदर और महेंद्र और रामायण इन लोग अपना मकान बना लिए हैं। पैमाइश के दौरान इन लोगों का पूरा घर मेरे चक में आ गया है। हमने सोचा कि बैठ के इन लोगों से बात हो जाए कि उस जो जमीन है जमीन के बदले कहीं जमीन दे दे या तो बैनामा करा लें हमसे। यही बातचीत चल रही थी तो गांव के कुछ किसी लोगों के चढ़ाने बढ़ाने पे वो लोग मुझसे माझा पर उतारू हो गया। पता चला है कि कुछ चैनल वाले भी आपके खिलाफ जो है न्यूज चलाए हैं, क्या सच्चाई है आप बता सकते हैं हमको? जी हाँ, हमने दो दिन पहले हमारे ही गांव के कुंदन हैं जो सर्वोच्च दर्पण के चैनल वाले हैं, उनसे हमने समस्या बताया था कि कुंदन जी ऐसी समस्या मेरे ऊपर है, थोड़ा सा आप थोड़ा सा उजागर करें। तो उन्होंने मुझसे तुरंत 5-6 रुपया मांगना शुरू कर दिया। मैंने पैसा नहीं दिया तो मेरे खिलाफ अपने चैनल में डाल दिए, दमंगी करता है। एक चीज जरूर मैं बता देना चाहता हूँ कि 3 महीना पहले जब लेखपाल टीम जाकर पैमाइश की फोर्स के साथ राय साहब भी थे, अगर पूरे गांव के लोग थे और हमारे भीम आर्मी के सारे सिपाही थे मौके पे, और हमने आज स्पष्टीकरण भी दे दिया है। आज वहाँ मौके पर बुला के जहाँ खूंटा गड़ा था, पत्थर गड़ा था, सारे हमारे संगठन के लोग गए थे। मैं संगठन के सामने अपनी बात रख दिया हूँ कि आप लोग भैया मौके पर आए थे, क्या थी क्या बात नहीं थी, सब स्पष्ट हो गया है। और कुंदन जी बार बार मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। कुंदन के एक भाई ब्रिजेश है जो ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ रहा है, मैं भी अपने गांव से ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ा था जो दूर से हार गया, और मेरा इस समय फिजा बहुत सुंदर है रामगढ़ में। मैं चुनाव में प्रधानी के पद प्रत्याशी भी हूँ, चुनाव जीतने के कगार पे हूँ। ये लोग सोच रहे हैं कि मेरे जो फिसांटी है और जो मैं चुनाव न जीत पाऊँ, इन लोगों का मुख्य उद्देश्य यह है। मुझे ये लोग विजित करना चाह रहे हैं, हर जगह मेरे खिलाफ रणनीति पैदा करते हैं। तो हम एक जरूर बात करते हैं कि चुनाव लड़िए, सबको खुश रखिए, लेकिन मैं आपसे ये जानकारी लेना चाहता हूँ, जिस पत्रकार ने आपके खिलाफ जो न्यूज चलाया है, क्या वो चुनाव लड़ने वाला भी है या उसका कोई संबंधी है? भाई है जो ब्रिजेश है, ब्रिजेश का खास भाई कुंदन है, कुंदन भी प्रचार करता है प्रधानी का और ब्रिजेश को चुनाव लड़ाने की तैयारी में है और मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा रहा है। ठीक है, लड़े कोई बात नहीं, बहुत सारे प्रत्याशी लड़ते हैं, लेकिन मेहनत करना चाहिए, किसी का विरोध नहीं करना चाहिए, किसी में झगड़े नहीं लगाना चाहिए, पैसे लेकर पेपर में मीडिया में नहीं किसी का डालना चाहिए। ये लोग पैसे लेकर डालते हैं मीडिया पेपर में। जिस जमीन में ये मकान बनी हुई है, क्या वो जमीन आपकी है? पैमाइश में क्या साबित हुआ है? पैमाइश पूरी जमीन मेरी है और बगल में मेरे जमीन के जस्ट सटे 2.5 मंडे का जो कास्ट है उसमें खाल छुड़ाने का स्थान है, इसके बाद राय साहब का है। जैसे मैं बताता रहा हूँ, राय साहब और खाल छुड़ाने का स्थान और मेरा जमीन, ये तीनों बीच में खाल छुड़ाने का स्थान है और दाहिने तरफ मेरी जमीन है, बाएं तरफ राय साहब की है और मेरे जमीन में ही उन्होंने घर बना दिया। सूत्रों के मुताबिक ये मालूम चल रहा है कि जो मकान बनी हुई है, मकान जो जिसने मकान बनाया वो कह रहा है कि जो जमीन आबादी की जमीन है, क्या सच्चाई है? बिल्कुल सर, वहाँ आबादी है ही नहीं है। अगर ऐसा है तो होता है तो मैं आप हर जगह मुझे बैठा करके मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कहीं बंजर नहीं है। बंजर उस हमारी जमीन से बहुत दूर है, नवीन भर्ती और आबादी बहुत दूर है, वहाँ बंजर एकदम नंबर नहीं है। 1357 मेरा नंबर है, 1302 नंबर इनका है, चब्रिकिस्तान है और 1355 राय साहब का है। यही तीनों जमीन हमारे अगल बगल है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 HD चैनल, रिपोर्टर सरफराज अहमद। हाँ, हमारे सामने ही थे, हमें नापी कराए थे और हमने चक रोड बनवाने के लिए SDM साहब के यहाँ दरखास्त दिया था। लेखपाल आकर नापी किए, नापी करने के बाद कराने के बाद एक राय साहब हैं जुन्नू राय, उनके चक तक जाता है नाली और उनका चक पक्षी है, मनोज का चक पूरब तरफ है उसी डाणा पर। पहली बार जब नापी हुए तो उससे संतुष्ट नहीं थे जुन्नू राय, फिर दूसरी बार SDM साहब से दरखास्त देकर नापी कराए। SDM साहब ने टीम बनाकर भेजे जिसमें वर्तमान कानूनगंज इस समय वो भी थे और हमारे वर्तमान लेखपाल हैं वो भी थे और 2 लेखपाल और थे, 3-4 लोगों की टीम बनाकर भेजे जिससे फिर दोबारा पैमाइश हुई। पैमाइश होने के बाद नाली जहाँ तक जाती है उससे पश्चिम सुन्नू राय का खेत है, उससे पूरे मनोज का खेत है, इसमें मनोज की कोई गलती नहीं है। ये ज़बरदस्ती उसमें वहाँ नहीं किए हैं, लेखपाल जहाँ नापे हैं फाइनल किए हैं, टीम जहाँ नाप गई है वहाँ अपना डाणी बनाया है।
मीडिया वाले बता रहे थे झन्नू आए थे पूरे मने काश्तकार थे, ये भी नहीं कि जबरदस्ती बना दिए, ये नहीं कि दबंगई से कोई करा रहा है। गाली गलौज करो भी लगा कि गाली गलौज दे रहे हैं गाँव वालों को मनोज जी, और भीम आर्मी के यूनिट से हैं, अध्यक्ष हैं, तो अध्यक्ष ही का अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं, दबंगई कर रहे हैं भीम आर्मी की यूनिट की तरफ से। भाई गाँव वालों को क्यों दिखे गाली नहीं गए, अरे मामला हो सकता है इनका जिससे होगा उसको कह सकते हैं, कुछ गाँव वालों को गाली नहीं गए, ऐसे ऐसा कोई संज्ञान में नहीं मामला, चूँकि वो लोग पहले से घर वहाँ बनाए हैं, पहले मालूम नहीं था कि किसकी ज़मीन है, इनको भी नहीं था पता था, मनोज को भी नहीं पता था कि हमारी ज़मीन है, इनके पटीदारों को भी नहीं पता था कि हमारी ज़मीन है, पहले से पहले से चूँकि घर बना लिए हैं लोग जी, और पैमाइश हुई तो पता चला है जी कि हमारा चेक वहाँ तक जाता है, तो उसी पर बात चल रही है, ये लोग कह रहे हैं कि हमारा वहाँ तक जाता है चेक।